बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 21। इन प्रीवियस लेक्चर 16 टू 20 वी हैव स्टडीड सोर्स कन्वर्जन, द सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एंड वी हैव सॉल्वड मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज थ्योरम्स। ये जो थ्योरम्स हैं और कन्वर्जन मेथड्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसको हम थेवेनाइज या नॉर्टनाइज करके हम उसमें लोड करंट और लोड वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बात की थी, जिसमें आपके पास जब थेवेनिन रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। लेक्चर 21, लेक्चर 21 में हम डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जेंस की बात करेंगे। लेक्चर 21 में हम डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जेंस की बात करेंगे। कन्वर्जेंस बिटवीन डेल्टा टाइप एंड वाई टाइप सर्किट अरेंजमेंट्स आर यूजफुल इन सर्टेन स्पेशलाइज्ड थ्री टर्मिनल एप्लीकेशंस। ये आपके पास जो फिगर ए है, ये आपके पास एक डेल्टा नेटवर्क है और फिगर बी में आपके पास वाई नेटवर्क है। इसको हम पाई नेटवर्क भी कहते हैं और इसको हम टी नेटवर्क भी कहते हैं। पाई नेटवर्क क्यों कहते हैं? अगर आप इस सर्किट को रीअरेंज करें तो आपके पास इसकी ये फॉर्म भी बन सकती है। तो इसकी शेप के लिहाज से हम इसको पाई नेटवर्क भी कहते हैं, और जिस तरह इसको इसकी शेप के लिहाज से हम डेल्टा नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि डेल्टा की फॉर्म आपके पास कुछ इस तरह की होती है। डेल्टा अगर आपके पास इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और डेल्टा आपके पास इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। और इसी तरह ये आपके पास टी नेटवर्क है, अगर इसको वाई नेटवर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो आपके पास टी नेटवर्क बन जाता है, क्योंकि इसकी शेप अब टी की तरह है तो इसलिए इसको हम टी नेटवर्क भी कहते हैं। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास कुछ सर्किट में ये फॉर्म आ जाती है तो वो फिर ईज़िली सॉल्व नहीं हो सकता, फिर इसलिए उसको हम वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। या बाज़ औक़ात आपके पास कुछ सर्किट्स में ये फॉर्म होती है और उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करके हम उस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए आपके पास जो फार्मूलाज आते हैं वो कैसे ड्राइव होते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये आपके पास वाई नेटवर्क है और ये आपके पास डेल्टा नेटवर्क है। अगर आप इस नेटवर्क को देखें और आप यहाँ पे आर एक्स वाई की बात करें, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। बिकॉज जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये आपके पास व्यू पॉइंट बन जाता है एक्स वाई रेजिस्टेंस के लिए, और जब आप इसको इस साइड से देखेंगे तो आपके पास ये दोनों सीरीज में आएंगे आर वन और आर टू, और इसमें आर थ्री का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह जब हम आर एक्स
जी की बात करेंगे तो हमारे पास आर वन और आर थ्री सीरीज में आ जाएंगे, और इसी तरह जब हम आर वाई जी की बात करेंगे तो हमारे पास आर टू और आर थ्री सीरीज में आ जाएंगे। और अब हम डेल्टा नेटवर्क को देखते हैं, इसमें आर एक्स वाई, आर एक्स जी और एक्स आर एक्स। अब हम डेल्टा नेटवर्क को देखते हैं कि इसमें आर एक्स वाई, आर एक्स जी और आर वाई जी किसकी इक्वल होंगी। इसमें जब हम आर एक्स वाई की बात करेंगे तो आपके पास अगर इसको पाई फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूं तो आपके पास अब सर्किट की फॉर्म ये बन जाएगी। ये आपके पास आर सी है, ये आपके पास आर बी है और ये आपके पास आर ए है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आर एक्स वाई की, तो ये व्यू पॉइंट आपके लिए बनेगा। अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो आर बी और आर ए ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद आर सी। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आपके पास आर ए प्लस आर बी बन जाएगा, और ये आपके पास आर सी है, और ये आपका व्यू पॉइंट है एक्स वाई। तो अब आप देख सकते हैं कि दिस रेजिस्टर इज इन पैरेलल विद आर सी एंड दिस रेजिस्टर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो आप इसको लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इंटू आर सी, ऊपर इन दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे इन दोनों का सम आ जाएगा। और ये चीज़ हम पहले पैरेलल सर्किट में देख चुके हैं। और इसके बाद आप जब इस इक्वेशन को ओपन करेंगे, आर ए को आर सी से मल्टीप्लाई कर दें और आर बी को आर सी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह अब हम आर एक्स जी की बात करते हैं इस सर्किट में। अब आपका व्यू पॉइंट ये बन जाएगा, ये पॉइंट आपके पास एक्स है, ये आपके पास जी है, ये आपके पास इस केस में व्यू पॉइंट है। तो अब इस केस में आर सी और आर ए ये दोनों सीरीज में हैं, एंड देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद आर बी, सो वी कैन राइट आर सी प्लस आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर सी प्लस आर बी। और जब इसको भी आप ओपन करेंगे तो आप आर ए को आर बी से मल्टीप्लाई कर दें और आर सी को आर बी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। सिमिलरली हम आर वाई जी की बात करते हैं तो आर वाई जी के केस में आपके पास व्यू पॉइंट ये बन जाएगा, आर एक्स वाई के लिए व्यू पॉइंट आपका ये था। तो अब इस केस में आप देखेंगे आपके पास आर सी और आर बी ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ओ आर ए के पैरेलल आ जाएंगे। तो उसको हम लिख सकते हैं आर बी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाय आर बी प्लस आर सी प्लस आर ए। अगेन इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ये सिंपली अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हों, सपोज ये आर वन है ये आर टू है, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है हम उसको लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। सो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये तीनों इक्वेशंस हमने लिखी हैं।
अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन वन कह दें, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन टू कह दें, और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन थ्री कह दें। ये वही इक्वेशंस हैं जो पिछली स्लाइड में हमने ड्राइव किए हैं, और इनको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना है कि इक्वेशन वन में से इक्वेशन थ्री को माइनस कर दें। तो पहले हम जो नंबर्ड रजिस्टर्स हैं उनको देखते हैं। तो इक्वेशन वन आर वन प्लस आर टू है, इसमें से हमने माइनस करना है इक्वेशन थ्री को आर टू प्लस आर थ्री को। तो आर वन प्लस आर टू में से हमने माइनस कर दिया आर टू प्लस आर थ्री। तो आपके पास ये आर टू और ये आर टू कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बाकी आ जाएगा आर वन माइनस आर थ्री। और अब आप इस इक्वेशन में इक्वेशन टू ऐड कर लें। तो इक्वेशन टू में आपके पास आर एक्स इज इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री। तो इस इक्वेशन में हम अब आर एक्स ऐड कर रहे हैं जो आर वन प्लस आर थ्री के इक्वल है। तो अब आपके पास यहाँ पे आर थ्री और आर थ्री कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास टू आर वन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लेटर्ड रजिस्टर्स की। अगेन जो हमने नंबर्ड रजिस्टर्स के लिए स्टेप्स किए थे वही हम लेटर्ड रजिस्टर्स के लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। इक्वेशन वन में से इक्वेशन थ्री को माइनस कर देते हैं। ये आपके पास इक्वेशन वन है, ये थ्री है। तो इक्वेशन वन में इस पार्ट को आप इस पार्ट में से आप इस पार्ट को माइनस कर दें। तो पहले इसको हम यहाँ लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा आर ए इंटू आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अब इसमें से माइनस कर देना है इक्वेशन थ्री को, तो इस पार्ट को आप माइनस कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा आर ए इंटू आर बी प्लस आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये एलसीएम आ जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो अब इस केस में आपके पास आर ए इंटू आर सी और ये आर ए इंटू आर सी ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बाकी बचेगा आर बी इंटू आर सी माइनस आर ए इंटू आर बी। अब इस इक्वेशन में ये जो आपके पास ये इक्वेशन आई है इसमें इक्वेशन टू को ऐड कर दें, इस पार्ट को आप ऐड कर दें इस इक्वेशन में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एज इट इज़ ये इक्वेशन लिख दी है और इसमें ऐड कर दिया है इक्वेशन टू को इस चीज़ को। तो आपके पास ये आ जाएगा आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अगेन यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी आ जाएगा और इस केस में आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बाकी क्या बचेगा आर बी इंटू आर सी और यहाँ पे भी आपके पास बचेगा आर बी इंटू आर सी। तो ये आपके पास टू आर बी इंटू आर सी हो जाएगा। अब इसके बाद आप इधर आ जाएं तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे ये टू आर वन था, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आर वन इज इक्वल टू आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। और इसी तरह हम इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके आर टू और आर थ्री की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर वन के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, आर टू के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया और आर थ्री के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया।
अब हम बात करते हैं आर ए, आर बी और आर सी को कैसे ड्राइव किया जाएगा। तो प्रीवियस स्लाइड से हम आर वन की वैल्यू ले लेते हैं। आर वन हमारे पास आया था आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी के इक्वल। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर में है इसको आप आर वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, और इसके बाद आप आर वन को इससे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप आर ए की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास आर ए आ जाएगा इक्वल्स टू आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर वन, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये दोनों आर बी और आर सी राइट साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। इसी तरह आर टू के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आया था आर टू इज़ इक्वल टू आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी आर सी, ये भी हम पीछे देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। तो अब आप यहाँ से इस डिनोमिनेटर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी आर टू इंटू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर सी। अब इसके बाद आप इस इक्वेशन में आर ए की वैल्यू जो आपके पास इक्वेशन सिक्स में आई थी उसको पुट कर दें। जब हम इस आर ए की वैल्यू जो हमारे पास ये आई है इसको जब हम इस आर ए की जगह पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी आर टू, और आर ए की जगह जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हमने पुट कर दिया, और बाकी आपके पास आर बी और आर सी एज इट इज़ आ जाएंगे, और यहाँ पे भी आर ए और आर सी एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आर सी और आर सी कैंसिल हो रही हैं, इसी तरह आर बी और आर बी कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे बाकी जो इक्वेशन बचेगी वो आर टू इंटू आर बी इंटू आर सी यहाँ लिखते हैं, और आर वन इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, और यहाँ पे अब आप आर सी और आर सी को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास रिमेनिंग जो इक्वेशन आई है वो आर टू इंटू आर बी इज इक्वल टू आर वन इंटू आर ए। इसी चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आर थ्री इज इक्वल टू आर सी, जब आर टू इज इंटू आर बी इज इक्वल टू आर वन इंटू आर ए तो हम ये कह सकते हैं कि आर थ्री इंटू आर सी इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आर बी इज़ इक्वल टू ये आर टू यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आर बी इज़ इक्वल टू आर वन इंटू आर ए डिवाइडेड बाई आर टू की कुल आ जाएगा, और इसी तरह आपके पास आर सी आ जाएगा आर वन इंटू आर ए डिवाइडेड बाई आर थ्री के इक्वल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि आपके पास ये इक्वेशन सिक्स थी, तो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया आर ए इज इक्वल टू आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर वन माइनस आर बी माइनस आर सी। अब जो हमने प्रीवियस स्लाइड में आर बी और आर सी की वैल्यूज फाइंड आउट की थी इन दोनों को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो आर बी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ और आर सी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आर बी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आर सी की जगह वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय आर वन एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस फिर आर बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस और आर सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इसके बाद ये आपके पास जो न्यूमरेटर में है एक्सप्रेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं आर वन इंटू आर ए इंटू आर वन इंटू आर ए, और आर टू और आर थ्री भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आके भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो आपके पास ये बन जाएगा आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री, और माइनस ये माइनस यहाँ पे आ गया, और बाकी दोनों को मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब इसमें आपके पास अगर इसमें हम आर एक कॉमन ले लें तो आपके पास इस आर ए के साथ एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, और एक आर ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बाकी क्वेश्चन ये बचेगी, वन इज इक्वल टू आर वन इंटू आर ए डिवाइडेड बाय आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ से आर वन को आर वन से भी कैंसिल कर देते हैं, माइनस आर वन बाय आर टू माइनस आर वन बाय आर थ्री। अब इसको मैं इस इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और वन को राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो आपके पास जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। और अब जो आपके पास डिनोमिनेटर में आर टू इंटू आर थ्री, आप इसको राइट साइड पे इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर टू इंटू आर थ्री आ जाएगा, जब आप इसको आर वन बाई आर टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टू और आर टू कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आर वन इंटू आर थ्री आ जाएगा। और इसी तरह जब आप इसको आर वन बाई आर थ्री के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर टू इंटू आर थ्री को, तो आपके पास बाकी आर वन इंटू आर टू बचेगा। तो अब यहाँ से हम आर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आर ए इज़ इक्वल टू यहाँ से आर वन इस साइड पे राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो आपके पास यहाँ पे आर टू इंटू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन आ जाएगा, प्लस जब वो यहाँ पे डिवाइड होगा तो आर वन और आर वन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आर थ्री बचेगा। और जब वो यहाँ पे डिवाइड होगा तो आर वन तो आर वन और आर वन दोबारा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे आर टू बचेगा। और इस तरह आपके पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर्ड रेजिस्टर्स। और जब आप इसका यहाँ से एलसीएम लेंगे, सपोज मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो आपके पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आर टू और आर थ्री रहेगा आपके पास, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर वन आर थ्री, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर वन आर टू। तो ये आपके पास आर ए की वैल्यू आ गई। इस तरह आर बी और आर सी की आप फर्दर इस तरह सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बना सकते हैं। यू डोंट रियली नीड टू नो दीज डेरिवेशंस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये डेरिवेशंस पता हो। आपको बस ये पता हो कि जब डेल्टा से वाई में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या फार्मूलाज होंगे, और जब वाई से हमने डेल्टा में जाना है तो आपके पास कन्वर्जन फार्मूलाज क्या होंगे। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डायरेक्ट डेल्टा टू वाई और वाई टू डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या फार्मूलाज होती हैं। डेल्टा टू वाई कन्वर्जन, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेल्टा से जब हमने वाई में जाना है तो हमारे पास क्या फार्मूलाज बनते हैं, और इन फार्मूलाज को हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। ईच रेजिस्टर इन द वाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टर्स इन टू adjacent delta branches divided by the sum of all three delta resistors. अब इस केस में हमारे पास ये डेल्टा नेटवर्क है और इससे हमने जाना है वाई नेटवर्क में। अब डेल्टा नेटवर्क में इस रजिस्टर की वैल्यू आर सी है, इसकी आर ए है, इसकी आर बी है। तो आप क्या करेंगे कि आपने वाई नेटवर्क को विद इन द डेल्टा नेटवर्क प्लेस कर देना है लाइक दिस। अब अगर आप इसको गौर से देखें
तो आपके पास इन दो रजिस्टर्स के बीच में एक रजिस्टर R1 है, इस तरह RC और RB के बीच में रजिस्टर R2 है, इस तरह रजिस्टर RA और RB के दरमियान में रजिस्टर R3 आ रहा है। तो जब हम R1 की बात करेंगे तो R1 के जो एडजेसेंट रजिस्टर्स आ रहे हैं डेल्टा रजिस्टर्स, वो एक RA आ रहा है और एक RC आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R1 के इस साइड पे RA है और R1 के उस साइड पे RC है। तो इन दोनों रजिस्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देना है एंड डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। डेल्टा नेटवर्क में जितने भी रजिस्टर्स हैं उनको आपने ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देना है। इस तरह जब हम R2 की बात करेंगे तो आपके पास R2 रजिस्टर यहाँ पे बनता है। तो R2 की इस साइड पे RC रजिस्टर है और R2 की इस साइड पे RB रजिस्टर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें RB इंटू RC, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस ऑफ द डेल्टा नेटवर्क विच इज़ RA प्लस RB प्लस RC। इसी तरह जब हम R3 की बात करेंगे तो R3 के लिए जो दो रजिस्टर्स आ रहे हैं डेल्टा, एक RA है और एक RB है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल थ्री डेल्टा रजिस्टर्स। तो इस तरह आप इनको तीनों फार्मूलाज को याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई डेल्टा नेटवर्क हो और आपने उसको वाई में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली उस डेल्टा नेटवर्क के अंदर वाई नेटवर्क को प्लेस करके इन रजिस्टर्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। इसी तरह जब वाई टू डेल्टा कन्वर्जन करनी होगी तो आप ने अगेन उसी डेल्टा नेटवर्क के अंदर वाई नेटवर्क को प्लेस कर देना है जैसे केस फिगर में किया हुआ है, और फिर आपने इस फिगर की हेल्प से तीनों फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। सो इन वाई टू डेल्टा कन्वर्जन ईच रजिस्टर इन द डेल्टा इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ वाई रजिस्टर्स टेकन टू एट अ टाइम डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट वाई रजिस्टर। अब इसमें आप देखें कि वाई नेटवर्क में आपके पास थ्री रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, और इनके हमने प्रोडक्ट ले लेना है टू रजिस्टर्स का एट अ टाइम और उन तीनों को फिर हमने सम कर देना है। तो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट्स R1 इंटू R2 हो सकता है या R1 इंटू R3 हो सकता है या R2 इंटू R3 हो सकते हैं। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि अब हम RA की बात कर रहे हैं तो RA के ऑपोजिट साइड पे जो रजिस्टर बनता है वो R2 बनता है ये वाला, तो उसको आपने नीचे डिवाइड कर देना है। इससे जब हम RB की बात करेंगे तो RB के लिए आपके पास ऊपर तो सेम वही रहेगा प्रोडक्ट ऑफ वायर रजिस्टर्स टेकन टू एट अ टाइम डिवाइडेड बाय, अब RB के ऑपोजिट रजिस्टर कौन सा है R1, तो उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। इसी तरह RC के लिए आपने इसको R3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि RC के ऑपोजिट ये रजिस्टर बनता है तो आपने फिर इसको R3 से डिवाइड कर देना है। तो इन तीनों में जो न्यूमरेटर में आपके पास एक्सप्रेशन है वो तीनों सेम है, लेकिन जस्ट डिनोमिनेटर में चेंज हो रहे हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि जब आप RA की बात करेंगे तो RA के ऑपोजिट R3 लिख देना है, RB के ऑपोजिट आपने जो रजिस्टर है R1 लिख देना है, और RC के ऑपोजिट जो रजिस्टर है वो R3 लिख देना है। तो इस तरह आपके पास वाई टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए ये तीन फार्मूलाज आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वाई टू डेल्टा कन्वर्जन्स टू अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वाई टू डेल्टा कन्वर्जन टू अ ब्रिज सर्किट। ये आपके पास एक ब्रिज सर्किट है और इस ब्रिज सर्किट को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं बाय यूजिंग
थैमलन थ्योरम, जिसमें हमारे पास ये आरसी लोड था, इसको हमने रिमूव किया था और फिर सर्किट को हमने थैमलन इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर हमने आरसी के क्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड आउट किए थे। अब इसी सर्किट को हम डेल्टा टू वाई कन्वर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर आप इस सर्किट में गौर से देखें तो ये जो बेज कलर आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक डेल्टा बन रहा है जिसमें आपके पास रेजिस्टर आर सी, आर बी और आर ए हैं, और इस डेल्टा को हम वाई में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसको वाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब डेल्टा को जब हम वाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, और इस रेजिस्टर को हम आर वन कह देते हैं, इसको आर टू कह देते हैं और इसको आर थ्री कह देते हैं, और बाकी आपके पास आर डी और आर ई में कोई चेंज नहीं आएगा, और आपके जो यहाँ पे नोड्स हैं, नोड सी, नोड डी, वो भी एज इट इज़ रहेंगे। जस्ट सी और डी से नीचे नीचे जो आपके पास पार्ट है वो चेंज होके वाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सी डी से ऊपर ऊपर के पार्ट में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद अगर इस सर्किट को थोड़ा सा और हम रीअरेंज करें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें आर डी और आर वन को मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह आर ई और आर टू को भी मैंने वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास अब ये इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। तो अब इस सर्किट में वी सी डी फाइंड आउट करने के लिए हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में हम आर टी फाइंड आउट करते हैं। आर टी इज इक्वल टू आर डी प्लस आर वन, दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद दिस ग्रुप एंड देन दिस होल ग्रुप इज इन सीरीज विद आर थ्री। तो हम इसको लिख सकते हैं आर डी प्लस आर वन इंटू आर ई प्लस आर टू डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम आर डी प्लस आर वन प्लस आर ई प्लस आर टू एंड देन आर थ्री इज इन सीरीज विद दिस होल एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे आर थ्री को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपके पास इस सर्किट का आर टी आ गया है। इसके बाद आई टी क्या होगा? आई टी इज इक्वल टू वी ए बी, वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज होगी आपके पास, डिवाइडेड बाय आर टी। तो ये आपके पास आई टी आ जाएगा। इसके बाद हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करते हैं जिसमें आपके पास रजिस्टर आर डी आर वन इज इन पैरेलल विद आर ई प्लस आर टू। तो आर टी जो पैरेलल पोर्शन का बन रहा है वो आपके पास आ जाएगा आर वन प्लस आर डी इंटू आर टू प्लस आर ई डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर डी प्लस आर टू प्लस आर ई के इक्वल। तो ये इस पैरेलल पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस आ गई है। तो इसके बाद हम करंट आई ए सी फाइंड आउट करते हैं। दिस करंट, इसको मैंने आई ए सी का नाम दिया है और इस करंट को मैं आई ए डी कह देता हूँ। तो सबसे पहले हम आई ए सी फाइंड आउट करते हैं। तो आई ए सी को फाइंड आउट करने के लिए हम सी डी आर यूज़ करेंगे। सो बाय सी डी आर
आपके पास यहाँ पे इस पैरेलल पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी डिवाइडेड बाय चेन रेजिस्टेंस के थ्रू हमने करंट फाइंड आउट करना है वो नीचे लिख देंगे R1 प्लस RD इनटू जो इस नोड में करंट एंटर हो रहा है जो कि आई टोटल है। तो यहाँ पे हमारे पास IT आ जाएगा। इसी तरह IAD के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा RTP डिवाइडेड बाय RE प्लस R2 इनटू टोटल करंट जो यहाँ से एंटर हो रहा है इस नोड में। अब हमारे पास IAC भी आ गया है और हमारे पास IAD भी आ गया है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज एट सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो VCA आपके पास बन जाएगा VA माइनस इस वोल्टेज में से आपने जो वोल्टेज RD के क्रॉस ड्रॉप हो रही है उस वोल्टेज को माइनस कर देना है। और RD के क्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं IAC को मल्टीप्लाई करके RD के साथ। तो ये आपके पास VCA आ जाएगा। और इसी तरह हम VDA फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज एट पॉइंट D विद रिस्पेक्ट टू A। तो वो आपके पास आ जाएगा VA माइनस IAD इंटू RE। तो अब आपके पास VCA भी आ गया और VDA भी आ गया। तो अब VCD हम फाइंड आउट कर सकते हैं VCD इज इक्वल टू VCA माइनस VDA। तो इसमें VCA की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज VA माइनस IAC इंटू RD और माइनस VA माइनस IAD इंटू RE। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VCD की वैल्यू आ जाएगी IAD इंटू RE माइनस IAC इंटू RD। तो ये आपके पास VCD वोल्टेज आ जाएगी वोल्टेज बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। अब क्योंकि हमारे पास VCD वोल्टेज आ गई है विच इज इक्वल टू IAD इंटू RE माइनस IAC इंटू RD। तो अब हम यहाँ से IRC फाइंड आउट कर सकते हैं। IRC इज इक्वल टू VCD डिवाइडेड बाय RC। तो ये आपके पास IRC जो आपके पास ओरिजिनल सर्किट में रेजिस्टर था यहाँ पे उसमें से जितना करंट पास कर रहा है वो आ गया है। अगर हम ओरिजिनल सर्किट को देखें तो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट ये था। हमने VCD फाइंड आउट कर लिया है। हम वापस इस सर्किट में आ जाते हैं इस सर्किट से इसमें और इस सर्किट से इस सर्किट में आ जाते हैं। अब क्योंकि VCD हमारे पास आ गया है तो अब हम यहाँ पे IRC ईजली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईच डेल्टा नेटवर्क टू अ वाई नेटवर्क। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप क्योंकि डेल्टा नेटवर्क को वाई नेटवर्क में कन्वर्ट करना है तो आपने इसके अंदर
वायर नेटवर्क को प्लेस कर देना है। तो ये आपके पास रजिस्टर R1 होगा, ये रजिस्टर आपके पास R2 होगा और ये रजिस्टर आपके पास R3 होगा। तो अब हमें फार्मूलाज तो पता हैं कि डेल्टा नेटवर्क से वाई नेटवर्क में जब हमने जाना है तो हमारे पास फार्मूलाज क्या हैं। तो R1 इज इक्वल टू RA इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। इसी तरह R2 इज इक्वल टू RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। और इसी तरह R3 के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC के इक्वल है। तो इन फार्मूलाज में आप सिंपली RA, RB और RC की वैल्यूज पुट करें, जो कि इस केस में RA की वैल्यू आपके पास है 560 किलो ओम के इक्वल और RC की वैल्यू आपके पास है 1 मेगा ओम के इक्वल, डिवाइडेड बाय RA की वैल्यू 560 किलो ओम, RB की वैल्यू 1.5 मेगा ओम और RC की वैल्यू 1 मेगा ओम के इक्वल है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 183 किलो ओम्स के इक्वल। इसी तरह आप R2 के लिए RB और RC की वैल्यूज यहां पुट करें, तो RB की वैल्यू आपके पास 1.5 मेगा ओम है और RC की वैल्यू आपके पास 1 मेगा ओम है, डिवाइडेड बाय 560 किलो ओम प्लस 1.5 मेगा ओम प्लस 1 मेगा ओम। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 490 किलो ओम्स की इक्वल। इसी तरह अब हम R3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आपके पास RA और RB है न्यूमरेटर में, तो आप RA और RB की वैल्यूज पुट करें, तो RA की वैल्यू 560 किलो ओम्स है और RB की वैल्यू आपके पास 1.5 मेगा ओम्स है, डिवाइडेड बाय 560 किलो ओम प्लस 1.5 मेगा ओम प्लस 1 मेगा ओम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी 275 किलो ओम्स के इक्वल। तो इस तरह अगर आपके पास कोई डेल्टा नेटवर्क हो तो आप उसको वाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आपके पास जो वाई नेटवर्क बनेगा उसकी फॉर्म ये होगी, और ये आपके पास रजिस्टर R1 होगा, ये रजिस्टर R2 होगा और ये R3 होगा, और इन तीनों रजिस्टर की वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दिस डेल्टा नेटवर्क टू वाई नेटवर्क। तो अब इस केस में हम वाई नेटवर्क को ऐसे प्लेस करेंगे, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 होगा और ये आपके पास R3 होगा। तो अगेन वही सेम फार्मूलाज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किए थे, R1 इज इक्वल टू RA RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC।
इसी तरह आर टू इज इक्वल टू आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी एंड आर थ्री इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो अब हमें यहाँ पे आर ए की वैल्यू भी गिवन है, आर बी की वैल्यू भी गिवन है और आर सी की वैल्यू भी गिवन है। तो इन वैल्यूज़ को आप जब इन एक्सप्रेशन में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर वन की वैल्यू आ जाएगी 373 मिली ओम्स के इक्वल, आर टू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.01 ओम्स के इक्वल और आर थ्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.58 मिली ओम्स के इक्वल। तो अब आपके पास जो वाई नेटवर्क बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये आपके पास आर थ्री है, ये आर वन होगा और ये आर टू होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, कन्वर्ट वाई नेटवर्क टू डेल्टा नेटवर्क। अब इस केस में आपके पास वाई नेटवर्क गिवन है और इसको हमने डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर ही मैं डेल्टा नेटवर्क बना देता हूँ और वाई नेटवर्क को उसके अंदर ले आते हैं। तो आपके पास ये डेल्टा नेटवर्क बन जाएगा। अब आपके पास वाई नेटवर्क इस डेल्टा नेटवर्क के अंदर आ गया है। इसको आप आर ए कह दें, इसको आप आर सी कह दें और इसको आप आर बी कह दें। तो अब आर ए को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो सिंपल है। आर वन ऊपर प्रोडक्ट आ जाएंगे तमाम रेजिस्टर्स के टू एट अ टाइम, आर वन इंटू आर टू प्लस आर वन इंटू आर थ्री प्लस आर टू इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाय। अब आर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो आर ए के ऑपोजिट जो रजिस्टर है वो आर टू है तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम आर बी के लिए फार्मूला लिखते हैं। इसमें आपके पास जो न्यूमरेटर हैं वो सेम होंगे तीनों फार्मूलाज में, जस्ट चेंज है कि डिनोमिनेटर में। अब आर बी की हम बात कर रहे हैं तो आर बी के ऑपोजिट आर वन आ रहा है तो इसको आर वन से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह आर सी के लिए आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें हमें आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यूज गिवन हैं तो इसमें जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी 39.8 ओम, आर बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 73 ओम के इक्वल और आर सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48.7 ओम्स के इक्वल। तो अब आपके पास वो वाई नेटवर्क डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया है और ये आपके पास आर ए है, ये आर बी और ये आर सी और इन तीनों की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कन्वर्ट वाई नेटवर्क टू अ डेल्टा नेटवर्क। तो इस केस में आपके पास जो डेल्टा फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। इसको आप आर ए कह दें, इसको आप आर बी कह दें इसको आर सी कह दें। सो अगेन
we know the formulas R A is equal to R1 into R2 plus R1 into R3 plus R2 into R3 divided by, अब हम R A की बात करें तो R A के opposite R2 आ रहा है, तो इसको हम R2 से divide कर देते हैं. Similarly R B is equal to R1 into R2, R1 into R3, plus R2 into R3, divided by RB के लिए RB के opposite resistor R1 आ रहा है, तो R1 से हमने divide कर दिया. और RC के लिए आपके पास ये expression बन जाएगा, इसमें इसको आपने R3 से divide करना है. तो R1, R2, R3 की वैल्यूज पुट करने के बाद RA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21.2 किलो ओम, RB की वैल्यू आ जाएगी 10.3 किलो ओम और RC की वैल्यू आ जाएगी 14.9 किलो ओम्स के इक्वल. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल करंट्स इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर. सो इस फिगर में हमने ऑल करंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि इस पर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई किया जाए, जो कि हम कर चुके हैं पहले. अब इस पर हम कन्वर्जन डेल्टा टू वाई कन्वर्जन अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. तो जब आप इस पर डेल्टा टू वाई कन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास, डेल्टा को हम पाई भी कहते हैं, तो ये आपके पास एक पाई शेप है. तो ये पाई शेप आपके पास इस वाई में कन्वर्ट हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट सी आपके पास वही पॉइंट होंगे. इस पॉइंट बी और सी से नीचे नीचे जो सर्किट है जिसमें R3, R4 और R5 आते हैं, जो पाई नेटवर्क बना रहे हैं, उसको हमने वाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है. अभी कन्वर्जन से रिलेटेड हमने दो तीन क्वेश्चंस पहले किए हैं, तो ये आपके पास आर वाई वन आ जाएगा या आर वाई टू आ जाएगा, और ये आपके पास आर वाई थ्री आ जाएगा. और जो फार्मूलाज हम पहले सीख चुके हैं वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करके आर वाई वन, आर वाई टू और आर वाई थ्री की वैल्यूज, और जो फार्मूलाज हम पहले सीख चुके हैं उनको यूज़ करके आपने आर वाई वन, आर वाई टू और आर वाई थ्री की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो आपके पास ये आ जाएंगी. अगर एक दफ़ा मैं फिर वो फार्मूला यहाँ लिख दूँ आर वाई वन के लिए, तो वो बनेगा आर थ्री इंटू आर फोर डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव. इस तरह आर वाई टू के लिए वो बन जाएगा आर थ्री इंटू आर फाइव डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव. और आर वाई थ्री के लिए आपके पास फार्मूला बन जाएगा आर फोर इंटू आर फाइव डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव. तो R3, R4 और R5 की वैल्यूज गिवन है हमें, तो इनमें पुट करके हम RY1, RY2 और RY3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो RY1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.13 किलो ओम्स, RY2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.65 किलो ओम्स और RY3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.53 किलो ओम्स. अब आपके पास सर्किट की ये फॉर्म आ गई है. अब इस सर्किट में हम सबसे पहले आर टी फाइंड आउट करते हैं इस सर्किट का. सो आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर वाई वन इंटू आर टू प्लस आर वाई टू डिवाइडेड बाय R1 प्लस आर वाई वन प्लस आर टू प्लस आर वाई टू. और
देन आर वाई थ्री इस एक्सप्रेशन के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो इसमें रजिस्टर की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आर टी की वैल्यू आ जाएगी 14.3 किलो ओम्स के इक्वल, और यहाँ से आई टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी एस बाई आर टी, और वी एस हमारे पास 136 वोल्ट्स गिवन है। तो जब इसमें 136 वोल्ट्स वी एस की वैल्यू पुट करेंगे और आर टी की वैल्यू 14.3 किलो ओम पुट करेंगे तो आई टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.5 मिली एम्पियर्स। अब इस सर्किट में हम करंट थ्रू आर वाई वन फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद करंट थ्रू आर वाई टू फाइंड आउट करते हैं, और इसी तरह करंट थ्रू आर वन एंड करंट थ्रू आर टू, और फाइनली करंट थ्रू आर वाई थ्री हम देखेंगे कि क्या होगा। सो बाय सी डी आर करंट थ्रू आर वाई वन इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास ये जो ब्रांच है वो इस ब्रांच के पैरेलल है, दिस ब्रांच इज इन पैरेलल विद दिस ब्रांच। तो जब हम इस करंट की बात करेंगे तो ऑपोजिट ब्रांच में जितने रेजिस्टेंस हैं उनको हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, तो आपके पास आ जाएगा आर टू प्लस आर वाई टू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच, तो आपके पास आ जाएगा आर वन प्लस आर वाई वन प्लस आर टू प्लस आर वाई टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल करंट आई टी के साथ। तो जब इसमें आप रेजिस्टर्स की वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आई आर वाई वन की वैल्यू आ जाएगी 6.94 मिली एम्पियर्स, क्योंकि आर वन और आर वाई वन दोनों सीरीज में हैं, तो ये करंट आर वन में से भी पास कर रहा होगा। इसी तरह हम आई आर वाई टू फाइंड आउट करते हैं, विच इज द करंट फ्राम हियर। सो ये आपके पास बाय सी डी आर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इंटू आई टी, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आई आर Y2 की वैल्यू आ जाएगी 2.56 मिली एम्पीयर्स की इक्वल, और ये करंट आपका R2 में से भी पास कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई आर टू इज इक्वल टू 2.56 मिली एम्पीयर इज इक्वल टू आई आर वाई टू। अब क्योंकि हमारे पास तमाम करंट्स आ चुके हैं तो अब हम वी बी फाइंड आउट करते हैं। सो वी बी इज इक्वल टू, वी बी इज द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो आपके पास वी बी आ जाएगा वी ए माइनस आई आर वन इंटू आर वन। तो जब इसमें आप वी ए की वैल्यू 136 वोल्ट्स पुट करेंगे और यहाँ पे आई आर वन को आर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी एक वोल्टेज आ जाएगी, तो वी ए में से जब ये वोल्टेज हम माइनस करेंगे तो आपके पास वी बी की वैल्यू आ जाएगी 66.6 वोल्ट्स, और इसी तरह वी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, वी सी इज इक्वल टू वी ए माइनस आई आर टू इंटू आर टू। तो इसको जब आप जिसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36.16 वोल्ट्स।
अब हम वापस इस सर्किट में आ जाते हैं, तो हमें VB की वैल्यू भी मिल चुकी है। VB इज़ द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट B टू ग्राउंड एंड VC इज़ द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट C टू ग्राउंड। तो यहाँ से हम करंट IR4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो करंट IR4 इज इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय R4। तो जब इसमें VB और IR4 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास IR4 की वैल्यू आ जाएगी 5.55 मिली एम्पीयर्स के इक्वल। इसी तरह IR5 इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय R5, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IR5 की वैल्यू आ जाएगी 3.97 मिली एम्पीयर्स। और फाइनली IR3 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू VB माइनस VC डिवाइडेड बाय R3। तो इसमें VB की वैल्यू भी हमें पता है, VC की वैल्यू भी पता है, और R3 की वैल्यू 222 किलो ओम्स गिवन है। तो आपके पास IR3 की वैल्यू आ जाएगी 1.38 मिली एम्पीयर्स। और इस करंट से आप वोल्टेज अक्रॉस R3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब आपके पास सर्किट में तमाम करंट आ जाएं तो आप बाय यूजिंग ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि हमने कन्वर्जन डेल्टा टू वाई कन्वर्जन को यूज़ करते हुए इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया है, और इस सर्किट को हमने पहले थेवेनिन थ्योरम से भी सॉल्व किया था। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रांच लूप एंड नोड एनालिसिस। सो फार वी हैव स्टडीड सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सेवरल टाइप्स ऑफ कन्वर्जन मेथड्स। इन थ्योरम्स को और कन्वर्जन मेथड्स को अप्लाई करके हमने डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स को एनालाइज किया है। इसके बाद हम कुछ मज़ीद टेक्निक्स पढ़ेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स, जिसमें आप ब्रांच करंट मेथड, लूप करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड स्टडी करेंगे। और जब आप ये सारी टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सर्किट को देख के फौरन अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस सर्किट पे हमें कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है और किस टेक्निक से ये ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो लास्ट थ्री टेक्निक्स हैं, ब्रांच करंट मेथड, लूप करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड, इन टेक्निक्स को स्टडी करने के बाद हमारा रेजिस्टिव सर्किट्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम इंडक्टर्स एंड कैपेसिटेंस की तरफ मूव करेंगे। तो हम इन टेक्निक्स को वन बाय वन करके देखते हैं। तो इन टेक्निक्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, बिकॉज ये जो तीनों टेक्निक्स हैं, ब्रांच करंट मेथड, लूप करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड, इन तीनों को जब कभी आप सर्किट पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशंस आएंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, देन वी विल गो टू दिस टॉपिक्स। साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन सर्किट एनालिसिस। द सर्किट एनालिसिस मेथड अलाउ यू टू फाइंड टू और मोर अननोन करंट्स आर वोल्टेजेस बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दीज एनालिसिस मेथड्स व्हिच इंक्लूड ब्रांच करंट, लूप करंट एंड नोड वोल्टेज मेथड रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स। सो
हम इसमें सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर एक क्वेश्चन तक अपने आप को लिमिटेड रखेंगे. दीज इक्वेशन कैन देन बी सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली फॉर द अननोन क्वांटिटीज. व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? साइमल्टेनियस इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एन इक्वेशंस कंटेनिंग एन अननोन्स वेयर एन इज अ नंबर विद अ. What is simultaneous equations? Simultaneous equations consist of a set of n equations containing n unknowns, where n is a number with a value of 2 or more. The number of equations in the set must equal the number of unknowns. For example, to solve for 2 unknown variables, you must have 2 equations. To solve for 3 unknowns, you must have 3 equations, and so on. साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के हम टू मेथड्स स्टडी करेंगे, सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सॉल्विंग बाय डिटरमिनेंट्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन. सो सपोज आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं. इक्वेशन वन, 2x1 + 6x2 इज इक्वल टू 8, एंड इक्वेशन टू इज 3x1 + 6x2 इज इक्वल टू 2. सो फ्रॉम इक्वेशन वन हम x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 8 - 6x2/2. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 - 3x2. तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है. अब x1 की इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन टू में x1 की जगह. तो 3 × 4 - 3x2 + 6x2 इज इक्वल टू 2. इसको सिंप्लीफाई करें तो आइए आपके पास बन जाएगा 12 - 9x² + 6x2 इज इक्वल टू 2. तो ये आपके पास बन जाएगा -3x² - 10. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.33 के इक्वल. अब x2 की इस वैल्यू को आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी. तो x1 इज इक्वल टू 4 - 3x2. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -5.99. तो जब आप इक्वेशंस को इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है, और इससे आपके पास x1 और x2 की वैल्यूज आ गई. अब अगर हम इन्हीं इक्वेशंस को बाय डिटरमिनेंट सॉल्व करें तो आपके पास सबसे पहले आपने इसका x1 और x2 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एक डिटरमिनेंट बना लेना है, और इसको सिंप्लीफाई करना है. ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एज वी नो दैट 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी डी जो है आपके पास है वो -6 के इक्वल आ जाएगा. सी डी इज कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट. अब जब x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप इसको लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू, आपने x1 की कोफिशिएंट जो कि
फर्स्ट कॉलम में थे, इसकी जगह आपने जो राइट साइड पे आपके पास कांस्टेंट है उनको पुट कर देना है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय सी डी, इसमें हमने क्या किया था कि आपके पास राइट साइड पे जो कोएफिशिएंट्स हैं 8 और 2, हमने एक्स वन के कोएफिशिएंट्स की जगह इनको पुट कर दिया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 8 6 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाय सी डी की वैल्यू माइनस 6 है, तो ये आपके पास 36 बाय माइनस 6 हो जाएगा और ये आपके पास एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 के इक्वल। इसी तरह एक्स टू को फाइंड आउट करने के लिए आपने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख देना है 2 3, लेकिन एक्स टू के कोएफिशिएंट जो कि सेकंड कॉलम में है उनको रिप्लेस कर देना है 8 और 2 के साथ एंड डिवाइडेड बाय सी डी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 2 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय सी डी की वैल्यू पुट कर दें जो कि माइनस 6 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास 3.33 के इक्वल आ जाएगा। अब हम आई वन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आई वन इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो 1 3 माइनस 2 0 4 1 माइनस 5 1 और 6 बनता है। तो आई वन के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो आई वन के कोएफिशिएंट्स हैं जो कॉलम वन है उसकी जगह आपने जो इक्वेशन के राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको पुट कर लेना है। उसको मैं यहाँ ऐसे करता हूँ 7 8 9 आई वन के जो कोएफिशिएंट्स हैं कॉलम वन में उनकी जगह मैंने 7 8 और 9 पुट कर दिया और बाकी आपके पास वैसे ही रह गई वैल्यूज। और उसके बाद फर्स्ट टू कॉलम्स को आप राइट साइड पे लिखते हैं। और अगेन यहाँ आपके पास थ्री डाउनवर्ड डायगनल बनेंगे और 3 अपवर्ड डायगनल बनेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डाउनवर्ड डायगनल के लिए 179 नंबर आ जाएगा और अपवर्ड डायगनल के लिए आपके पास सिर्फ 79 नंबर आ जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 100। तो आई वन के लिए आपने अब इस वैल्यू को ऊपर रखना है 100 को डिवाइडेड बाय सी डी। सो 100 डिवाइडेड बाय सी डी की वैल्यू गिवन है -32 जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आई वन की वैल्यू आ जाएगी -312.5 एम्पीयर्स। इसी तरह आप आई टू और आई थ्री की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए।
सो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने डेल्टा टू वाई एंड वाई टू डेल्टा कन्वर्जन्स की बात की है, और उसके बाद हमने देखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।